अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल लाहौरी सफ़ेद चने और बॉयल अंडों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। स्पेशली ब्रेकफास्ट में ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है और विंटर्स में तो बॉयल अंडे डालकर ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। स्पेशली हमारे लाहौर में ब्रेकफास्ट के तौर पर यह रेसिपी बहुत पसंद की जाती है। आएँ देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी की है। यहाँ पर जी 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है और 1 पाव 250 ग्राम मैंने चने लिए थे। ऑलरेडी चने जो है मैं धोकर बॉईल करके रख चुकी हूँ और खूब अच्छी तरह से टेंडर करने हैं आपने। चने जो हैं, चनों की जो है वो, यानी कि आधे चने ग्रेवी में होने चाहिए, आधे चने साबुत होने चाहिए, तो बहुत ही अच्छी सी इसका लुक आएगी। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, प्याज मैंने बिल्कुल छोटे छोटे सा चॉप किया था और प्याज को जी अच्छी तरह से फ्राई किया, यहाँ तक कि गोल्डन ब्राउन सा हो गया है प्याज। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाल दिया है ग्रीन चिलीज़ का और जिंजर गार्लिक का जो 3G पेस्ट है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भूने, यहाँ तक कि जो जिंजर गार्लिक है उसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। होल स्पाइसेस तो मैंने एक इसमें जी एक ली थी सिनेमन स्टिक, 2-3 लौंग और बस ये चीज़ें मैंने, और 3-4 मैंने काली मिर्च डाली थी। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून, ताकि हमारा प्याज जो है वो जले नहीं। और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई हैं, प्याज का कच्चापन भी दूर हो गया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन भी दूर हो गया है। स्पाइसेस डाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस इसमें जाएंगे, बाकी स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया था जी धनिया पाउडर, भुना हुआ और कुटा हुआ, कुटी हुई शक्ल में था, बहुत ज़्यादा पाउडरी शक्ल में नहीं था। 1 टीस्पून शामिल की है मैंने हल्दी, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की थी रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून और तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने शामिल किए थे इसमें रेड चिली फ्लेक्स। इसके अलावा कसूरी मेथी जाएगी इसमें। खूब अच्छी तरह से भुने तमाम चीज़ों को मैंने, इसी वजह से पानी पहले थोड़ा सा डाल दिया था ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। और यहाँ पे जी मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन गए थे, बहुत ही सिंपल सी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है अगर आपने चने बहुत अच्छे से बॉईल करके रखे हों। अदरवाइज़ इसमें चने आप बाद में भी इसी मसाले में डाल के बॉईल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप चने पहले बॉईल कर लें। एक मैंने टमाटर लिया था और टमाटर मेरे पास फ्रीज था तो मैंने ग्रेट कर लिया था, इसको भी भूनी अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं मसाला कितना अच्छा सा हमारा रेडी हो गया है, ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया था और बहुत ही अच्छे से मसाला जो है वो रेडी हो गया था हमारा। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया जी तकरीबन 2 टेबलस्पून थिक दही डाला था मैंने, इसको भी भून लें बहुत अच्छी तरह से। तमाम चीज़ों का जो पानी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गया है, दही का भी और बाकी टमाटरों का भी। अब इसमें शामिल कर देंगे बॉयल चने, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से टेंडर हुए हैं चने, जितने अच्छे टेंडर होंगे उतनी अच्छी आपकी ग्रेवी बनेगी। तो बस उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए थे चने और चनों को थोड़ा सा भुना था, चने शामिल कर दें, बहुत ही नरम हुए हुए चने, सख्त चने मत बॉयल कीजिएगा, चने आपके बहुत अच्छे से टेंडर होने चाहिए। मिक्स कर दें, तकरीबन 1 ग्लास मैंने पानी डाल दिया था और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको दोबारा से पकाया था लिड देकर, ताकि और अच्छी तरह से जो है ये नरम हो जाए चने और एक बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए। यहाँ पे जी पानी मैंने उसी बर्तन में लिया था जिसमें मैंने चने बॉयल किए हुए थे, नमक शुरू में डालना मैं भूल गई थी, अब मैंने नमक शामिल किया था 1 टेबलस्पून। गरम मसाला मैंने अभी ऐड नहीं किया, मैंने पहले ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, गरम मसाला हम एंड पे यूज़ करेंगे। तकरीबन 20-25 मिनट्स के लिए आप देख सकते हैं मैंने रख दिया था, पानी भी काफ़ी हद तक कम हो गया है, बिल्कुल थिक सी ग्रेवी इसकी बन गई थी जिस तरह हमें चाहिए थी। इस तरह से ठंडे होने के बाद ही और ज़्यादा थिक हो जाते हैं चने। दूसरी साइड पे मैं जो अंडे थे वो बॉईल कर चुकी थी, यहाँ पे 1 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ जी गरम मसाला पाउडर और 4 मैंने मिर्चें डाल दी थी हरी मिर्चें, इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता। 5 मिनट के लिए मैंने इसको फिर से दम पे रख दिया था, यहाँ तक कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाए। तो बस रेसिपी तकरीबन हमारी रेडी है, कुछ भी नहीं करना है इसको। 5 मिनट के लिए मैंने इसको लिड दी थी और आप देख सकते हैं ऑयल आ गया ऊपर अच्छी तरह से, और बस अब इसमें एग शामिल कर देने थे, बॉयल एग्स बहुत ही अच्छे लगती हैं स्पेशली विंटर्स में। ये रेसिपी सिर्फ ब्रेकफास्ट में नहीं, आप वैसे भी खा सकते हैं, दोपहर को भी लंच में इसको ले सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बस यहाँ पे मैंने बॉयल अंडे शामिल कर दिए थे, 5 मिनट के लिए रख दिया था इसको दोबारा से। तो बस इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी।